नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हाउ टू ट्रेड 200 डे मूविंग एवरेज यानी लॉन्ग पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे। 200 पीरियड का ईएमए लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है, लेकिन इसमें ट्रेड कैसे करना है इसका सही तरीका समझना भी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो 200 पीरियड का ईएमए से भी कोई उपलब्धि नहीं होगा। तो चलिए लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सही तरीके से कैसे यूज करना है ये समझते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम MT4 चार्ट पर मूविंग एवरेज एड करेंगे। इंसर्ट पर जाएंगे, इंडिकेटर्स पर, ट्रेंड पर हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज मिलेगा। ये जो बाई डिफ़ॉल्ट पीरियड है इसको हम 200 करेंगे। सिंपल है, इसको एक्सपोनेंशियल करना है। कलर कोई सा भी रख सकते हैं, उसके बाद इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर हमने ओके करना है। ये एक ही हमें इंडिकेटर मूविंग एवरेज लगाना है 200 पीरियड का। और ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं दिखा रहा हूँ। किसी भी टाइम फ्रेम पर हम ये कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे MT4 पर होते हैं, MT5 पर जो होते हैं 2 मिनट 3 मिनट्स, इन पर नहीं करना है। 1, 5, 15, हाफ एन आवर, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, किसी भी टाइम फ्रेम पर जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है उस पर हमें ये सिग्नल लेना है। अब सिग्नल कैसे लेना है? सिग्नल ये बाउंस जब होगा, जब मूविंग एवरेज में टकराने को आएगा वहां पर सिग्नल लेना है। जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड पर मार्केट था, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड पर होने के बाद ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज पर टकराने के लिए जाएगा, उस समय हमें यहाँ पर सिग्नल देखना है। जैसे यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, ये सभी पर हमें सिग्नल नहीं लेना है, पैटर्न देखना है। सिर्फ 3 पैटर्न पर बाई सिग्नल लेना है और 3 पर सेल सिग्नल। बाई सिग्नल लेने के लिए पहला पैटर्न है बुलिश एंगलफिन। बुलिश एंगलफिन का ऊपर नीचे इस तरह लेग्स होना चाहिए, दोनों कैंडल्स में लेग्स होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो ग्रीन में होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है। ऊपर नीचे लेग्स होना चाहिए और इसका कंडीशन ये जो रेड से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और मैक्सिमम इसका डबल तक, डबल से ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर वो हमें लॉस देता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। इसलिए इसका मैक्सिमम रेट का डबल तक होना चाहिए और मिनिमम इससे बड़ा होना चाहिए, जितना भी बड़ा हो। ये हुआ एक बुलिश एंगलफिन का हम सिग्नल लेंगे। दूसरा ये पीयर्सिंग पैटर्न। पीयर्सिंग पैटर्न मैं फर्स्ट टाइम आपको सिग्नल लेने के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ, सिर्फ 200 पीरियड का मूविंग एवरेज पर, क्योंकि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज इतना पावरफुल होता है, उसमें हम पीयर्सिंग का भी पैटर्न का भी हम सिग्नल ले सकते हैं। पीयर्सिंग के लिए ये जो रेड कैंडल है, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बनेगा लास्ट में, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो इसका 50% से बड़ा होना चाहिए और ग्रीन कैंडल का ऊपर नीचे लेग होना चाहिए। पीयर्सिंग पैटर्न हुआ। दूसरा ये हैमर हुआ। हैमर स्क्वायर बॉडी में होना चाहिए, बॉडी के तुलना में 3 से 5 गुना लोअर लेग होना चाहिए और अपर लेग भी इस तरह का छोटा सा लेग होना चाहिए, ये अपर लेग अनिवार्य है, अगर नहीं होता है तो सिग्नल नहीं लेना है। और ये उसी तरह सेल के लिए 3 पैटर्न हुआ, उसका ऑपोजिट बेरिश एंगलफिन हुआ, डार्क क्लाउड कवर हुआ और ये शूटिंग स्टार। ये पैटर्न्स पर हम सिग्नल लेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं MT4 चार्ट पर, जो फ्रंट पेज पर हमें सिग्नल मिलेगा, प्राइस यहाँ पर लाइव चल रहा है, उसी में हम देखेंगे कैसे सिग्नल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये टकराया, पहले डाउन ट्रेंड पर था, ये क्लियर होना चाहिए और यहाँ पर ये गैप होना चाहिए, ये क्लियर, इतना एटलीस्ट इतना गैप होना चाहिए, इससे बड़ा होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिनिमम इतना गैप होना चाहिए। मतलब ये डाउन ट्रेंड में होने के बाद जब सिग्नल बनेगा उससे पहले इसको टच नहीं करना चाहिए, जहाँ सिग्नल बनेगा वो पहला टच या कंसोलिडेशन का टच होना चाहिए, यानी लेग्स लेग्स होने के बाद सिग्नल बनता है तो भी ठीक है, ऊपर बॉडी नहीं होना चाहिए। गैप होने के बाद हमें यहाँ 3 पैटर्न्स, जो सेल के मैंने अभी बताया उसमें से कोई भी बनता है, उसके बाद हमारा सिग्नल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार परफेक्ट बना,
ये बनते ही ये इससे रिजेक्ट होना है मार्केट, ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है इससे रिजेक्ट होना है। रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर शूटिंग स्टार बना और शूटिंग स्टार बनते ही हम यहाँ पर सेल करेंगे 1:2 का टारगेट रखेंगे, यानी डबल का टारगेट। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है इसलिए इस पर हमें आराम से 1:2 का टारगेट मिल जाता है। इससे थोड़ा सा जस्ट ऊपर का SL रखेंगे और टारगेट 1:2 का होगा। यहाँ पर भी ये तीन बार टकराया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पहला पैटर्न तो ये बनता था, उसके बाद यहाँ बनता तो वो इतना वैलिड नहीं होता, इसमें गैप नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट गैप था। जिस तरह का गैप यहाँ पर है उसी तरह का गैप यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर ये डार्क क्लाउड कवर भी नहीं बना क्योंकि इसका हाफ तक नहीं गया, बॉडी ऊपर नीचे लेग ठीक था, लेकिन ये कोई पैटर्न नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना, तो ये हमारा सिग्नल नहीं बना। ये यूरो यूएसडी का था, फ्रंट पेज पर जो मिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जीबीपी यूएसडी है, यहाँ पर परफेक्ट बेरी सिंगल फिन बना था। ये बॉडी के तुलना में इसका 2 गुना के अंदर होना चाहिए, ये ग्रीन बॉडी है इसके 2 गुना के अंदर होना चाहिए, यहाँ पर तो 1.5 गुना भी नहीं था, तो ये परफेक्ट था। ऊपर नीचे लेग था, यहाँ पर सेल सिग्नल बनता है, इससे थोड़ा ऊपर का SL होगा, 1:2 का टारगेट होगा। यूएसडी JPY पर भी ये अभी बना था, सुबह बना था, परफेक्ट बुलिश एंगल फिन बना था। जो एंगल फिन ग्रीन कैंडल इसके 1.5 गुना के अंदर होता है तो वो बहुत ही परफेक्ट होता है, मैक्सिमम कंडीशन है 2 गुना का, यहाँ पर 1.5 गुना के अंदर था और ऊपर नीचे परफेक्ट दोनों में लेग्स थे, इस पर बैठना चाहिए। ये जो मूविंग एवरेज है 200 पीरियड का, इस पर आकर बैठना चाहिए, उससे पहले यहाँ पर क्लियर गैप होना चाहिए, गैप था, आराम से आकर बैठा, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ये एक सिग्नल था, AUD CAD पर भी ये बना था, यहाँ पर बना था, मैंने कहा गैप होना चाहिए, यहाँ गैप था। गैप होने के बाद ये शूटिंग स्टार जैसा बना लेकिन बॉडी स्क्वायर नहीं था, ये इसने हमें सिग्नल नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन होने के बाद भी सिग्नल मिलता है तो ठीक है, बॉडी उससे ऊपर क्लोज नहीं था, यहीं पर ये कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ पर ये डार्क क्लाउड कवर बना, 50% से ज़्यादा बड़ा था रेड कैंडल, ऊपर नीचे दोनों में लेग्स थे, जैसा हमने कहा जैसा हमें कंडीशंस चाहिए वैसे ही इसका पैटर्न बना था। तो ये ऐसा कंसोलिडेट करने के बाद लेग ऊपर जाता है फिर रिजेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है रिजेक्ट होता है। ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज कहीं भी आप देखिए, जहाँ भी देखेंगे ये करंट का लाइन जो होता है, हाई टेंशन लाइन होता है, हैवी वोल्टेज का, उसका जैसा काम करता है, वहाँ पर कोई टच कर ही नहीं सकता, अगर करता है तो फिर जान भी जा सकता है। उसी तरह यहाँ पर भी ये कैंडल टच नहीं कर सकता है, करता है तो भी रिजेक्ट हो जाता है, और इसको फोर्स चाहिए, पावर चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, स्पीड से जाकर ब्रेक कर सकता है, नहीं तो ये ब्रेक आराम से नहीं करता है। ऐसा कंसोलिडेट करने के बाद पैटर्न बनता है, तो ये हमारा सिग्नल था। उसके बाद यहाँ पर इतना गैप मिला, गैप बनने के बाद फिर यहाँ पर हमें डार्क क्लाउड कवर मिला, ये लेग नीचे बहुत अच्छा था, ऊपर भी थोड़ा सा था, यहाँ पर था, इस पर नहीं था, इस पर नहीं होता है तो भी ठीक है, लेकिन इससे टकराया था ये, और नीचे हमें लेग मिला, ऊपर भी थोड़ा सा लेग मिला, ये भी परफेक्ट पैटर्न था। अब यहाँ पर ये बनेगा तो नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पर गैप नहीं मिला। ये था एक GBP AUD पर भी हम देख सकते हैं, ये मार्केट ऊपर से यहाँ आया, आने के बाद यहाँ टकराया, ये देखिए जहाँ भी ये मूविंग एवरेज को टच करने जाता है तो वहाँ पर ये बाउंस बैक होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई पैटर्न नहीं मिला तो यहाँ पर हम सिग्नल नहीं ले सकते थे। यहाँ पर ये मिला था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ऊपर से आराम से आया, मूविंग एवरेज में आकर रिजेक्ट हुआ, होने के बाद यहाँ पर परफेक्ट बुलिश एंगल पिन बना, ऊपर नीचे दोनों में लेग्स थे, यहाँ का SL होता, यहाँ हमारा बाई होता, 1:2 का टारगेट होता। ये था सिग्नल, परफेक्ट कैंडल एवरेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए ये भी रखा हुआ है, ये फ्राइडे को बना था, आज मंडे है, आज ओपन हुआ है मार्केट, ये फ्राइडे को बना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेट के तुलना में ये 2 गुना से ज़्यादा हुआ, 2 गुना से ज़्यादा होने के बाद इसने क्या किया, हमें यहाँ पर बाई करते तो ये लॉस देता, लेकिन हमारा ये बाई करने का पैटर्न है ही नहीं क्योंकि ये 2 गुना से ज़्यादा है। अगर 2 गुना के अंदर होता, ये रेट का तुलना यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 गुना यहाँ तक होता, इससे अंदर होता तो ये हमें अपना टारगेट दे देता, लेकिन ये ऑलरेडी ऊपर चला गया है, इसलिए ज़्यादा ऊपर जाने के बाद, बड़ा कैंडल बनने के बाद फिर और ऊपर जाने का संभावना जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट आपको 200 पीरियड का मूविंग एवरेज से हम ट्रेड कर सकते हैं, सिग्नल ले सकते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे मूविंग एवरेज से मार्केट रिजेक्ट होता ही है, लेकिन वहाँ पर हमें कंडीशंस देखना है, जो आज हमने सीखा वो मीट होना चाहिए। तो ये था आज का स्ट्रेटेजी 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।